हाय फ्रेंड, तो अभी आप लोगों को बताऊंगा कि लैपटॉप में जो डिस्प्ले होता है, अगर उसमें ग्रीन लाइन या ब्लू लाइन या पिंक लाइन कोई भी लाइन आता है तो उसको रिपेयर क्या करना चाहिए, रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आज आपकी पूरी तरीके से इसका बारे में जानकारी दूंगा। और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मेरे जो चैनल है इस टाइप का टेक्नोलॉजी वाला सब कुछ वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, रिपेयर कैसे सोल्यूशन करें तो प्रॉब्लम दिखाता हूँ और सोल्यूशन कैसे होगा वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइन है यूट्यूब में, तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है, नॉर्मली ये अभी हैंगिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी देखो व्हाइट में नहीं आ रहा है, देखिए व्हाइट में पकड़ में नहीं आ रहा है। जब भी इसको देखिए यहाँ पे पकड़ आ रहा है, देखिए सेट एंड डिफॉल्ट जो लिखा है इसमें ग्रीन लाइन पकड़ में है। इस टाइप का लाइन आ रहा है कि इस ऑरिजेंटल या वर्टिकल में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले एक सॉल्यूशन कि अगर डिस्प्ले चेंज कर लो, पूरा डिस्प्ले चेंज कर लो तो उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और भी एक प्रॉब्लम होता है कि अगर इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगता है तो क्या होता है कि इस पर या यहाँ पर तो अगर प्रेस करते हो तो इसका लाइन जा सकता है, लेकिन कुछ देर तक परमानेंट सॉल्व नहीं है। और एक प्रॉब्लम होता है बॉन्डिंग मशीन, जो आपका मोबाइल में एक बॉन्डिंग होता है जो पेपर से पत्ता लगा है, यहाँ पे दो तीन पत्ता है, ये अभी भी जो पत्ता है जो कनेक्टिविटी होता है, अगर उसमें प्रेशर लग के ये रिमूव हो जाता है तो उसको बॉन्डिंग करने पे, मतलब जो केबल पेपर से जो पत्ता होता है उसको रिमूव करके नया पत्ता या उस पत्ते को ही प्रेशर में दे के उसको चिपकाना है, तब ये लाइन जा सकता है। लेकिन इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और सक्सेस कम होता है, क्योंकि एक दो महीने के बाद फिर से एक लाइन आ जाए। अगर उसमें बॉन्डिंग मशीन से आप इसको रिपेयर करो तो एक महीना दो महीना कब तक चल सकता है इसका कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि वो लाइन फिर से आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस जगह नहीं तो दूसरा जगह भी हो सकता है, क्योंकि अगर जो रिपेयर करोगे ना ये लाइन ही जिसके साथ जितने सारे लाइन है उसको सबके बॉन्डिंग होगा, ठीक है। और अगर इसका डिस्प्ले चेंज कर ले तो थोड़ा खर्चा आएगा, लेकिन उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, कभी भी नहीं आएगा डिस्प्ले चेंज कर लेते हो। अगर बॉन्डिंग करते हो तो पत्ता जो होता है ये फिर से आ सकता है, ऐसा नहीं कि छोड़ देगा, ऐसा नहीं है, फिर से आ सकता है, दूसरे जगह भी आ सकता है ऐसा कह रहे, लेकिन खर्चा भी बहुत आ जाता है, ठीक है। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम ना आता है लाइन पर तो ऐसे चला, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जो नॉर्मली ब्लू लाइन में आता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम क्या टाइप का हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो चॉइस आपका है, आप क्या करना चाहते हैं, या डिस्प्ले चेंज करोगे या बॉन्डिंग मशीन से इसका रिपेयर करोगे, ठीक है। वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन सपोर्ट है, बाय चाहिए।